नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। इससे पहले 29 मार्च को आईपीएल खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आईपीएल को निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। लेकिन अब बीसीसीआई यूएई में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और साथ ही सबसे ज्यादा चर्चाओं में है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। धोनी ने बीते साल विश्व कप 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था और उसके बाद से धोनी कोई भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आए। इस बीच खबरें थी कि धोनी धीरे धीरे रांची में प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और लंबी लंबी हिटें मारने की कोशिश भी कर रहे थे। मार्च में जब चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप महेंद्र सिंह धोनी ने ज्वाइन किया था तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे और साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने जरूरी थे। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से धोनी को लेकर एक ऐसा बयान आया है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। सीएसके के मैनेजर और उस टीम की फ्रेंचाइजी के सीईओ भी ये बात कह चुके हैं कि 2022 तक तो महेंद्र सिंह धोनी कहीं नहीं जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ के, यानी कि अगले 2 साल भी अगर धोनी की परफॉर्मेंस नहीं भी रहती है तो भी सीएसके की टीम उन्हें मौका देगी। एक कप्तान के तौर पर धोनी की सीएसके काफी शानदार रही है, उनके लिए लकी भी रही है। साथ ही धोनी ने सीएसके को 3 बार आईपीएल का खिताब भी दिलवाया है। शायद यही वजह है कि जब ये टीमें कंसिस्टेंट बनती हैं तो फिर आप कप्तान को श्रेय देते हैं। हालांकि धोनी की वापसी का इंतजार हर किसी को बेसब्री से है। अब देखना होगा कि धोनी किस तरीके से वापस आते हैं। प्रैक्टिस तो शुरू कर चुके हैं। 22 अगस्त के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो यूएई रवाना होगी और यूएई जाकर अपनी टीम महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के साथ बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। सभी 8 फ्रेंचाइजी अब जाने की तैयारी कर रही है, तो तैयार हो जाइए 19 सितंबर से धमाकेदार आगाज के लिए आईपीएल के, क्योंकि पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। फिलहाल इसका अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।